हेलो स्टूडेंट्स, सो वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। सो विश्वकर्मा जयंती के दिन पीएम ने विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस, देन वी विल सी व्हाट इज दिस योजना, फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या है जो ऑफर किए जाएंगे इस स्कीम के अंडर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड गवर्नमेंट कैसे और कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो आर्टिसंस को प्रमोट करते हैं इंडिया में। After that, we'll be discussing our today's prelims and the mains practice question. First of all, before starting, ये जो PM विश्वकर्मा योजना है, इसमें 18 plus जो artisans हैं, उनका registration किया जा सकता है, जिनका Indian origin हो. And so these are the cases. Now, और जो जैसे blacksmiths हैं, potters हैं, traders हैं, small boat makers हैं, इन सब के लिए ये scheme है. So why news recently PM ने ये launch किया on the occasion of the विश्वकर्मा जयंती. विश्वकर्मा को आप सब जानते हैं. He is the greatest craftsman according to the Hindu mythology. So, what is this PM Vishwakarma Yojana? ये एक centrally sponsored initiative है, जिसमें लगभग जो allocation budget बनाया गया है, वो 13,000 करोड़ का budget है। ये 5 साल की period के लिए designate हुआ है और ये 2023-24 से 27-28 तक के लिए budget है। इस ही framework के अंदर artisans, craftsmen को recognition दिया जाएगा, उनको PM Vishwakarma certificates और आईडी कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे और उनके पास एक क्रेडिट सपोर्ट भी होगा कि वो फर्स्ट ट्रांचे में लगभग 1,00,000 ले सकते हैं, नेक्स्ट ऑन वो 2,00,000 तक का भी लोन ले सकते हैं और इन दोनों पर ही जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% का है और ये कोलेटरल फ्री लोन है, कुछ जमा नहीं करना पड़ेगा उन्हें। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है एंड ये जॉइंटली जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट भी किया जा सके। फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आर्टिसंस क्राफ्ट पर्सन को एनरोल किया जाएगा इसके अंदर और उनको एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा एंड कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट के लिए भी वो एलिजिबल होंगे, जो 1,00,000 और 2,00,000 तक का हो सकता है पहले और दूसरे शिफ्ट में। देन कंसेशनल इंटरेस्ट रेट वॉज ऑफ 5%, 13,000 करोड़ का बजट है, 5 साल के लिए हमने देखा था एंड स्कीम एक स्टिपेंड देता है ₹500 का स्टार्टिंग में स्किल ट्रेनिंग के लिए एंड 1500 अगर वो मॉडर्न टूल्स खरीदना चाहें तो। अब ये जो स्कीम है ये 18 ट्रेडिशनल जो ट्रेड्स हैं, रूरल अर्बन दोनों में, जैसे कि इसमें कारपेंटर्स हैं, बोट मेकर्स, ब्लैकस्मिथ्स हो गए एंड आपका पॉटर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, कॉबलर हो गए जो जूते बनाते हैं एंड टेलर्स एंड मेनी मोपर्स हैं जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं। देन ये जो इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा ये कॉमन सर्विसेज या जो जनसेवा केंद्र होते हैं विलेजेस पे, वहां पे ये हो जाएगा। सेंट्रल जो है इसकी फंडिंग प्रोवाइड करेगी जबकि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करेगी। बेनिफिट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है अंगूठा लगा के या बायोमेट्रिक बेस्ड विश्वकर्मा पोर्टल है जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा व्यक्ति का, रिकॉग्निशन होगा, एक आईडी कार्ड इश्यू होगा। देन इसमें बेसिक और एडवांस दोनों ट्रेनिंग दिए जाएंगे, दैट इज वाई जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है वो इसमें है। Then this is one of the reasons. Then toolkit incentive भी दिया जाएगा, artisans को ₹15,000 दिए जाएंगे एक toolkit incentive के तौर पर कि वो एक proper toolkit ले सकें। So collateral free credit है इसमें 1,00,000 और 2,00,000 का, interest rate हमने देख लिया था और moreover ये scheme जो है ये जो digital transactions हैं इनको भी promote करती है, provide कराती है and marketing support भी देगी। Toolkit benefit है, सो आर्टिसंस को न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में उनको पता हो उनके फील्ड में, सो एक टूल किट बुकलेट रिलीज होगी लगभग 12 इंडियन लैंग्वेजेस में जिसमें वीडियो एलिमेंट्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। एडिशनल बेनिफिट्स में स्टिपेंड हमने देखा था ₹500 का है एंड ₹1,500 का इसमें मॉडर्न टूल्स को परचेज करने के लिए उनको मिलेगा लगभग ₹2,000 स्टार्टिंग में, 15,000 फॉर द टूल किट एंड 1,00,000 एंड 2,00,000 फॉर द लोन। सो दीज आर द बेनिफिट्स इन अ समरी। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये ट्रेड आर्टिसंस को एम्पावर करता है, उनके अपलिफ्टमेंट का काम करता है जो डिफरेंट ट्रेड्स में है। सो ये इंडिया का जो कल्चरल इंपॉर्टेंस और जो इकोनॉमिक फैब्रिक है उनकी इंपॉर्टेंस को ये इसमें रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडर्स की। देन मोरओवर खासकर ये जो स्कीम है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को टारगेट करती है, स्पेशली जो ओबीसी ग्रुप है और उनको अपॉर्चुनिटीज देगी स्किल डेवलपमेंट के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी इसमें दिया जाएगा सो दैट इसमें एक इकोनॉमिक और सोशल इंक्लूजन हो सके, इट विल प्रमोट इट। Moreover, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड स्किल्स हैं इनको प्रिजर्व करने का ये काम करेगी, इंडिया का जो रिच कल्चर हेरिटेज है इसको प्रिजर्व करने में ये हेल्प करेगा। सो ये जो ओल्ड एज क्राफ्टमैनशिप है वो मॉडर्नाइजेशन या मशीनों के द्वारा ना उसको बेसिकली लॉस्ट हो जाए, इसलिए भी ये स्कीम लागू की गई है। देन
इसमें सर्टिफिकेशन है, आईडी कार्ड है, उनका सोसाइटी में रिकॉग्निशन इंक्रीज हो जाएगा। देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर हम बात करेंगे तो कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट जो ये दे रही है सरकार, इसमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी आर्टिस्ट को, ताकि वो अपने आर्ट्स में या क्राफ्ट में और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लिवलीहुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मोर ओवर इसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को एंकरेज किया जाएगा, इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे स्पेशली एंड बेसिकली फाइनेंशियली लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी एंड अमंग द ट्रेडिशनल आर्टिसंस व्हिच आर बोथ इन द अर्बन एंड द रूरल एरियाज। एंड गवर्नमेंट के वैसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो आर्टिसंस के अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करते हैं? पहला है अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, जो हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं उनके लिए, हैंडीक्राफ्ट। देन मेगा क्लस्टर स्कीम इज देयर, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज देयर, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम इज देयर, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स इज देयर, ये काउंसिल। देन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्प स्कीम। सो दिस आर द केसेस। नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द पीएम विश्वकर्मा योजना। Artisans will receive a voucher of 30,000 to purchase necessary tools for their craft. Artisans can avail themselves an interest-free loan of 5 lakh rupees. I hope you all can answer it. So this was all about the prelims practice question. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So what is the significance of providing support to traditional artisans and craftsmen? And how does it impact both cultural heritage and socio-economic development? What challenges do these artisans face in their pursuit and what steps can be taken to address these obstacles and ensure their sustainable growth and preservation for the traditional craftsmanship? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the next 10 years for your better preparation.